हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बडी। सो माय नेम इज़ आकांक्षा सारस्वत एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन विप्रो। मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। सो आज मैं आप सबके संग अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ फ्रॉम कॉलेज टू IIT। तो सबसे पहली बात कि आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है किसी भी कंपनी में, बड़ी कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए आपका कॉन्फिडेंस और आपका ही नॉलेज ही मैटर करती है, नथिंग एल्स मैटर। अगर आप अच्छे कॉलेज से हो, वेल एंड गुड। अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं हो, नॉर्मल कॉलेज हो, आपके कॉलेज में इतनी अच्छी कंपनियाँ नहीं आती, देन ऑल्सो इट्स वेरी गुड। आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, अशिंचर सारी कंपनीज ऑफ कैंपस ड्राइव करती हैं फ्रेशर्स के लिए, एंड दे आर हायरिंग फ्रेशर्स इन बल्क। तो आपका बहुत अच्छा चांस है किसी भी MNC में जाने के लिए। कैंपस ड्राइव होती रहती हैं, TCS NQT, तो आई थिंक अभी भी वैकेंसी निकली हुई है, उसमें आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी प्रोग्रामिंग वीक है और आप एक अच्छा अच्छे से प्रोग्राम नहीं बना पाते हो, और आपको लगता है कि उस वजह से आपको कोई कंपनी नहीं सेलेक्ट करेगी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपको बस मेंटली साउंड होना चाहिए, आपके चारों तरफ क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मार्केट में ये पता होना चाहिए। ये आपके सिलेक्शन के लिए आई थिंक सेल्फ सफिशियंट है, इवन मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता होते कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज नई मार्केट में आई हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंटरव्यूज़, रिलेटेड टू योर स्टडीज़ एंड लाइक IT में क्या क्या होता है, आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड स्टडी बडी को फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं भी अपने ग्रेजुएशन टाइम में स्टडी बडी को फॉलो करती थी और मुझे बहुत हेल्प मिली है। सो बाय, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू चेक माई चैनल। बाय।